पहले तो आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। बहुत दिनों के बाद आप सबकी मुलाकात हुई। कोरोना के बाद बहुत से चीज़ें अभी रेगुलराइज हुई है और एक अनाउंसमेंट के लिए हमने आप सब लोगों को यहाँ पर बुलाया है। लगभग 22 साल से वास्ट मीडिया ग्रुप 4 अखबार और 16 वेब चैनल्स प्रकाशित करता है। एक बड़ी अनाउंसमेंट है, एक अवार्ड फंक्शन डेली मुंबई मित्र आइकॉन अवार्ड्स, ऐसा एक अवार्ड फंक्शन मुंबई में। मुंबई मित्र, ये मुंबई को हमेशा ही, हमारा जो अखबार है वो मुंबई को हमेशा हाईलाइट किया है, मुंबई की अच्छी अच्छी चीज़ों को प्रमोट करने का काम किया है। और कोरोना के बाद लोगों को मोटिवेट करने के लिए और जो जो लोगों ने अच्छा काम किया है, समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हम बहुत सालों से पुरस्कृत करते आए। अवार्ड फंक्शंस हम करते आए थे, बीच में 2 साल गैप हुई है। डेली मुंबई मित्र आइकॉन अवार्ड्स 2022 का अनाउंसमेंट हम कर रहे हैं। बहुत दर्जेदार तरीके से हम ये प्रोग्राम करने वाले हैं। आई वेलकम ऑल द पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू गेट पार्टिसिपेटेड। वो सब उनका नॉमिनेशन आज से हमारा स्लाइड ओपन कर रहे हैं और 2 स्लाइड्स हम आज पोस्टर्स का इनॉग्रेशन हम आज करने वाले हैं और सोशल मीडिया पे हम आज से उसका प्रमोशन और बाकी की चीज़ें करने वाले हैं। हमारी टीम में जो लोग काम करने वाले हैं, कविता गरुड़, कुणाल यादव, मनीषा यादव, नितिन खेतले, अर्जुन मादलकर, आरती सावंत, सूरज मांडलकर, सचिन माड़िक, आउटसोर्स एजेंसी से जो लोग काम करने वाले हैं, उसमें से बाहर से हम जो प्रोफेशनल लोगों को बुलाया है उसमें से गिरिराज शुक्ला है और कुछ लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग हैं हमारे साथ, शैलेश पटेल जी है, पुष्कर है, बहुत से इवेंट कंपनीज के प्रोफेशनल लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और ये प्रोग्राम एक हिस्टोरिकल मोमेंट होगा, खाली अवार्ड फंक्शन नहीं, तो उसमें कुछ डिबेट्स होंगे जहाँ पर नेशनल पॉलिटिकल लीडर्स, स्टेट के पॉलिटिकल लीडर्स, कुछ आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के साथ में हम एक डिस्कशन सेशन रखने वाले। ये पूरा दिन का प्रोग्राम होगा। 3 प्रकार के हम अवार्ड फंक्शन रखने वाले, एक पॉलिटिकल अवार्ड्स 2022 जो ये साल में मुंबई महानगर पालिका के कॉरपोरेशंस के इलेक्शंस होने वाले हैं और वो इलेक्शंस को मद्देनज़र पिछले 5 साल में कॉरपोरेशन में यूथ लीडर्स जिन्होंने अच्छा काम किया है या सीनियर सिटीजन जो सोशली एक्टिव है, आरटीआई एक्टिविस्ट है, ऐसे सभी अलग अलग कैटेगरीज़ के लोगों को हम अवार्ड देने वाले हैं। कैटेगरी में मीडिया है, फिल्म है, बिजनेस है, सोशल वर्क है, एजुकेशन है, ऑथर है, पोएट्स है, स्टोरी राइटर्स है, म्यूज़िक है, स्पोर्ट्स है और बुडिंग आर्टिस्ट है, ये कैटेगरीज़ है। साथ में पॉलिटिकल में हमने अलग अलग कैटेगरीज रखी हुई है। अवार्ड्स में पॉलिटिकल लीडर्स, डॉक्टर्स, यूथ और आरटीआई एक्टिविस्ट जो पॉलिटिक्स में हैं बट ये अपना प्रोफेशन संभाल के काम करते हैं। और आज हम ऑफिशियली ये चीज़ को अनाउंस कर रहे हैं, 1st week of July में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है और आप सब लोग उसके साक्षीदार हो। मुझे लगता है कि देश और विदेश के बहुत बड़े बड़े लोग, कुछ कॉन्सुलेट्स इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं, अलग अलग देश के राजदूत जिसको हम बोलते हैं वो राजदूत इसमें आने वाले हैं। साथ में केंद्र के लगभग 10 से 12 मंत्रियों ने हमको कन्फर्मेशन दिया है, मुंबई के पॉलिटिकल लीडर्स ने हमको कन्फर्मेशन दिया है, कॉरपोरेट हाउसेस के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है बड़े बड़े उन्होंने कन्फर्मेशन दिया है। और मैं अवार्ड फंक्शन को मद्देनज़र हम प्रोग्राम कर ही रहे हैं मगर साथ में लोगों को मोटिवेट करना और उनको एक हौसला देने का काम ये इवेंट से हम करने वाले हैं। मेरे साथ में मेरी लगभग 15 से 20 लोगों की जीनियन टीम है, वो काम करने वाली है। आप सबको मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये इवेंट को आप पब्लिसाइज कीजिएगा। नामांकन कहाँ भरे? नामांकन हमारा ये सेंट्रल ऑफिस है जो धड़क कामगार यूनियन का ऑफिस है, मुंबई मित्र का ऑफिस है, इधर आप आके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ हम पूरी तरीके से पूरे डिटेल्स हमारे आपको सोशल मीडिया पर मिलेंगे और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि बहुत से लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्या
ये मुंबई में कहाँ होने वाले? मुंबई में मैं अभी तक ऐसा है कि मोस्ट प्रोबेबली हम जियो गार्डन में ये प्रोग्राम करने वाले बांद्रा में, और बहुत मैं ये टेंटेटिव बता रहा हूँ क्योंकि हमारे डेट्स और हमारे गेस्ट की अवेलेबिलिटी और उनको सहूलियत देने के तरीके से, क्योंकि ये वन डे प्रोग्राम है, सुबह से शाम तक पूरी दिन चलेगा और उसमें हम पूरे देश से अलग अलग राज्यों से लोग आने वाले हैं, तो उनको स्टे, उनका हॉस्पिटैलिटी, उनको पूरी तरीके से वीआईपी सर्विसेज देने का पूरा आयोजन प्रयोजन हमने किया हुआ है। नहीं, निश्चित तौर पर लेटर ऑन मैं वापस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लूँगा आपको बताने के लिए, बट बहुत सिस्टमेटिकली प्रोफेशनल तरीके से हम ये काम कर रहे हैं। आज सिर्फ हमने नॉमिनेशन फॉर्म्स का ओपनिंग का एक प्रोग्राम यहाँ पर रखा है। निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है हमारी टीम बहुत जोरों से काम करेगी। चार्जेस वगैरह कुछ नहीं? कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री एंट्री है। ओके।